राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं नागौर की वर्तमान सांसद श्रीमान हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इसी दौरान बेनीवाल ने पीएम मोदी से नागौर संसदीय क्षेत्र में सैनिक स्कूल और एक अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे। इस दौरान बेनीवाल ने पीएम मोदी से नागौर संसदीय क्षेत्र में सैनिक स्कूल और एक अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग कर दी। जी हां, बेनीवाल की इस मांग पर प्रधानमंत्री ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिए, विभिन्न मुद्दों व मांगों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। आपको बता दें कि बेनीवाल ने पीएम से मुलाकात बुधवार को सुबह संसद स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में की। मुलाकात के दौरान बेनीवाल ने नागौर सहित राजस्थान के विभिन्न मुद्दों व मांगों से प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। बेनीवाल ने नागौर संसदीय क्षेत्र में सैनिक स्कूल खोलने और एक अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की। बेनीवाल ने कहा कि नागौर में 50,000 से ज़्यादा पूर्व सैनिक रहते हैं। यहाँ के सैकड़ों सैनिकों ने देश की आज़ादी से लेकर अब तक विभिन्न युद्धों व ऑपरेशनों में देश के लिए शहादत दी है। पीएम ने सकारात्मक आश्वासन दिए। जी हाँ, आपको बता दें कि बेनीवाल के कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सैनिक स्कूल व नागौर में अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिए हैं। जी हाँ, ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप द सुगम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हर पल हर खबर से अपडेट करवाते रहेंगे जो खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ।